नमस्कार साथियों, मैं टीकाराम राजवंशी, ग्राम झिलाई, तहसील निवाई, जिला टोंक से, आप सभी के बीच जन सरोकार मंच के संयोजक आदरणीय देवेंद्र जी जोशी सर और हमारे बीच माध्यम बने श्रीमान अनिल जी गुप्ता भाई साहब, आप सभी का मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने मुझे कार्यक्रम से जोड़ा। लीजिए मित्रों, मैं कुछ छोटी छोटी कविताएं लेकर आपके बीच हाजिर हूं। मैं एक छंद के माध्यम से कविताओं से आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। सुनिएगा कि वंदना करूं मैं मात शारदे बिराजो कंठ, वंदना करूं मैं मात शारदे बिराजो कंठ, छेड़ सुर तान मेरी जिव्या में समाइए। वंदना करूं मैं मात शारदे बिराजो कंठ, छेड़ सुर तान मेरी जिव्या में समाइए। मोबाइल पर सुन रहे हैं मेरे सभी मित्रगण, मोबाइल पर सुन रहे हैं मेरे सभी मित्रगण, सादर नमन, आप शीघ्र बैठ जाइए। मोबाइल पर सुन रहे हैं मेरे सभी मित्रगण, सादर नमन, आप शीघ्र बैठ जाइए। कि कविता का मैं उदास इतनी सी हरिदास, कविता का मैं उदास इतनी सी हरिदास, आह वाह दाद देख के हौसला बढ़ाइए। कविता जो सुनो मेरी सब मिल मित्र गण, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कविता जो सुनो मेरी सब मिल मित्र गण, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। लीजिए मित्रों, एक निवेदन हम ईश्वर को करते हैं और एक राधेश्यामी छंद के माध्यम से चार पंक्तियां निवेदित करता हूं आपके समक्ष। है भीड़ भरा दुमर गम मारग, क्या स्थिति हो रही है साहब, देखिएगा क्या चाहता है कवि, ईश्वर से क्या निवेदन करना चाहता है, सुनिएगा। है भीड़ भरा दुर्गम मारग, प्रभु सीधी राह दिखा देना। है भीड़ भरा दुर्गम मारग, प्रभु सीधी राह दिखा देना। है चलिया कपटी नीच जगत, प्रभु इनसे मुझे बचा लेना। है चलिया कपटी नीच जगत, इन सब से मुझे बचा लेना। तन से होना अहित किसी का, तन से होना अहित किसी का, धन नेक कर्म में लगा देना। प्रभु दे के चरण निज चरण, प्रभु दे के शरण निज चरणों में, प्रभु दे के शरण निज चरणों में, यह मन में भाव जगा देना। प्रभु दे के शरण निज चरणों में, यह मन में भाव जगा देना। लीजिए, ईश्वर की आराधना के बाद एक छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, समय की क्या महत्वता है और किस तरीके से हम समय क्या हमारे जीवन में
होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस ही होती है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि टाइम इज मनी, समय ही एक धन से भी बढ़कर बताया गया उसको। तो कुछ पंक्तियां हैं, सुनिए। समय और वक्त का ऐसा है एहसास, समय समय और वक्त का ऐसा है एहसास, राजा और महाराजा न रोक सका इतिहास। समय को आज दिन तक कोई नहीं रोक पाया है मित्रों। समय अपने अपनी गति के साथ में चलता रहता है। कहता हूं कि समय और वक्त का ऐसा है एहसास, राजा और महाराजा न रोक सका इतिहास। समय अनमोल रत्न है, समय है वरदान। समय अनमोल रत्न है, समय है वरदान। समय जीवन दान है, समय है शमशान। समय अनमोल रत्न है, समय है वरदान। समय जीवन दान है, समय है शमशान। कि समय का कोई न लगा सका हिसाब। समय का हम आज दिन तक कोई हिसाब नहीं लगा सकते हैं सर, कि हम इतने बड़े हो गए, हमने क्या किया क्या नहीं किया। और समय पल पल गुजरता जाता है, और हम उसकी अगर महत्वता समझते हैं तो नियत समय पर हम अपने संपूर्ण कार्यों को सुनियोजित तरीके से कर लेते हैं, अन्यथा हम फिर पछताते रहते हैं। तब कहना पड़ता है कि समय का कोई न लगा सका हिसाब, हिसाब लगाने वाले को समय कर देता है बेहिसाब। हिसाब लगाने वाले को समय कर देता है बेहिसाब। समय की जिसने न की कदर, समय की जिसने न की कदर, आ जाएगा उसके जीवन में भंवर। समय की जिसने न की कदर, आ जाएगा उसके जीवन में भंवर। सभी लोग कहते हैं कि नहीं है मेरे पास समय। हर आदमी का सिर्फ एक ही रोना है साहब आजकल, कि टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है किसी से बातचीत करने का, कहीं आने जाने का, घूमने फिरने का। कहीं कोई बात बताओ आप तो यही कहेंगे साहब टाइम नहीं है, बहुत बिजी है साहब। तब कहना पड़ता है कि सभी लोग कहते हैं कि नहीं है मेरे पास समय। सभी लोग कहते हैं कि नहीं है मेरे पास समय, आखिर रहता है किसके पास समय। सभी लोग कहते हैं नहीं है मेरे पास समय, आखिर रहता है किसके पास समय। समय के इस अद्भुत रहस्य का लगाता मैं पता, समय के इस अद्भुत रहस्य का लगाता मैं पता। काश समय के बारे में मैं और लिख पाता, लेकिन मेरे पास भी नहीं है समय, मेरे पास भी नहीं है समय, मेरे पास भी नहीं है समय। ये एक कविता थी मित्रों समय की। और लीजिए एक नए संदर्भ की एक कविता मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं लाइक कमेंट करते चलें, ताकि दूसरे लोग भी देख लें उनको। देखिएगा कि एक वचन देने की, निभाने की, प्रॉमिस जिसको हम कहते हैं, हमारे जीवन में हम बहुत से प्रॉमिस करते हैं साहब, और उन प्रॉमिस वचनों को हम पूरा भी करते हैं। कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि हम कोई वचन दे देते हैं, किसी से कुछ बात कर लेते हैं, हम वादा कर लेते हैं और उसको नहीं निभा पाते। प्रॉमिस मनुष्य जीवन में एक बहुत बड़ी महत्वता रखता है, और हम जिस किसी भी चीज के लिए प्रॉमिस करते हैं उसको हमें निभाना भी चाहिए। इसी चीज को लेकर जब मैं विद्यार्थी जीवन में हुआ करता था, खैर विद्यार्थी तो अब भी हैं हम,
लेकिन अब विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षक के पद पर मैं आपको बताना भूल गया था कि मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जीवली, जो कि निवाई ब्लॉक में पड़ता है, वहां पर कार्यरत हूँ। तो अध्ययन अध्यापन करना मेरी रुचि है। तो जो प्रॉमिस की मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि क्या इम्पोर्टेंसी होती है और हमें उस चीज को निभाना भी चाहिए। विद्यार्थी जीवन में मैंने कभी, मैं नहीं समझता कि मैंने कोई बहुत अच्छी लिखी हो, और शायद मेरा अनुभव इतना ज्यादा भी नहीं रहा था उस समय। लेकिन जैसे भी उस समय मैंने जो लिखा उसको ज्यों का त्यों मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ कि चार युगों की चार कथा सुनाता हूँ। चार युगों की चार कथा सुनाता हूँ, वचन निभाने वालों से अवगत कराता हूँ। चार युगों की चार कथा सुनाता हूँ, वचन निभाने वालों से अवगत कराता हूँ। देखिएगा मित्रों कि हमारे हिंदू धर्म में जहाँ तक मानने वाली जहाँ बात होती है, तो हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग, इनके बारे में बताया गया है कि भाई चार प्रकार के युग ये हैं। तो इन चारों युगों से मैंने एक एक व्यक्ति को उठाया है और एक कविता के माध्यम से उनका जो वादा किया हुआ है और जिन्होंने जो उन वादों को उन्होंने निभाया है, ऐसे लोगों से मैं आपको परिचय कराने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा मित्रों कि चार युगों की चार कथा सुनाता हूँ, वचन निभाने वालों से अवगत कराता हूँ। पहला संदर्भ देखिए कि सतयुग में राजा बलि ने वामन अवतार विष्णु को एक वचन दे दिया था कि 3 पग 3 कदम भूमि, जो नापने वाली जो बात थी, कि उन्होंने वचन दे दिया था कि हाँ वामन अवतार विष्णु, आप मेरे दर पर आए ब्राह्मण के रूप में, तो आप जो भी मुझसे मांगेंगे मैं आपको दूंगा सहर्ष। तो भगवान विष्णु ने जो राक्षस राज बलि था, देवताओं के कहने पर उसके द्वार पर गए और ब्राह्मण का वेश बनाकर गए वो, और राजा बलि को दान स्वरूप कुछ देने के लिए कहा। तो राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं आप। तब उस वामन अवतार जो ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु थे, उन्होंने कहा कि हे राजन, मुझे 3 पग आपके राज्य में जमीन चाहिए। तो भगवान विष्णु ने 2 ही कदम में सृष्टि और ब्रह्मांड को नाप लिया था, और फिर तीसरे कदम को नापने वक्त की जब बारी आई, तो फिर राजा बलि ने कहा कि भाई अब सॉरी भगवान विष्णु ने कहा कि राजन, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं मैं। तो जब वचन दे दिया था राजा बलि ने, तो निभाने वाली बात तो थी। तो राजा बलि ने कहा कि हाँ भगवान, आप मेरे सिर पर रखिए आपका जो तीसरा कदम है। किसी भी प्रकार से जब उन्होंने अपना वचन निभाया, तो मैं कहना चाहता था 4 पंक्ति के माध्यम से आपको कि 2 ही कदम में वामन ने संपूर्ण जगत को नाप लिया। 2 ही कदम में वामन ने संपूर्ण जगत को नाप लिया। साधारण नहीं अवतारी है ये, बलि ने ऐसा भांप लिया। तीसरा कदम रखू कहाँ, मांगी वामन ने अनुमति। तीसरा कदम रखू कहाँ, मांगी वामन ने अनुमति। रखो सिर पर मेरे नाथ, बलि ने दे दी स्वकृति। रखो सिर पर मेरे नाथ, बलि ने दे दी स्वीकृति। धरती पर उसके रहने की बात देवताओं को न खली। धरती पर उसके रहने की बात देवताओं को न खली। पातालवासी हो गया था अब राजा बलि, पातालवासी हो गया था अब राजा बलि। ये तो रही त्रेता युग की बात, ओ सॉरी
सती की बात। अब देखिए त्रेता युग में एक संदर्भ आता है कि देवासुर संग्राम के समय केकई ने राजा दशरथ की युद्ध में जान बचाई। राजा दशरथ त्रेता युग में जब देवासुर संग्राम हो रहा था उस समय युद्ध में घायल हो गए थे और केकई ने युद्ध से बाहर ले जाकर उनकी जान बचाई। तब दशरथ ने केकई को वचन दे दिया था कि केकई तुम दो वचन मांग सकती हो, जो भी तुम्हें मांगना है। तब केकई ने कहा था कि दशरथ ने कहा कि केकई तुम दो वचन मांग लो। केकई ने कहा कि महाराज मैं दो वचन अपने कभी भी ले लूंगी मेरे। तब राम जो वन गमन की जब बात आती है, जब राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग कर भी और उन वचनों को निभाया, तब ये कहने की चेष्टा करता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ कि देखिए कि पुत्र के राज्य की चाह में केकई जा बेटी कोप भुवन वास। पुत्र के राज्य की चाह में केकई जा बेटी कोप भवन वास, वचन के खातिर दशरथ ने दिया राम को वनवास। पुत्र के राज्य की चाह में केकई चाहती थी कि मेरा भरत राजा बने। तब पुत्र के राज्य की चाह में केकई जा बैठी कोप भवन वास, वचन के खातिर दशरथ ने दिया राम को वनवास। पुत्र वियोग में दशरथ ने त्यागे थे प्राण, पुत्र वियोग में दशरथ ने त्यागे थे प्राण, केकई भी हो गई बावरी पुत्र प्रेम को जान। केकई भी हो गई बावरी पुत्र प्रेम को जान। केकई को भी तब बाद में जाकर ये पछता हुआ कि हाँ वाकई पुत्र प्रेम क्या होता है। लीजिए अब तीसरे जब वचन निभाने वाली जब बात आती है तो द्वापर युग में आती है साहब। और द्वापर युग का एक संदर्भ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि शिशुपाल वध के समय जब भगवान श्री कृष्ण को चक्र चलाना पड़ा, तो चक्र चलाते समय भगवान श्री कृष्ण के अंगुली में चोट लग जाती है, तो उनके अंगुली से जब खून गिरता है तो उस खून को गिरते हुए देखकर जो द्रौपदी होती है उसे देखा नहीं जाता, और वो एक कुछ भी एक प्रेम वाली भावना होती है या किसी के प्रति इस तरह का व्यवहार कि हाँ उसका दुख नहीं देखा जाता, तब हम भाग के उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। तो सहानुभूति पूर्ण तरीके से जब केकई ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसमें से साड़ी में से कपड़ा फाड़कर और भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी तूने मुझ पर जो इतना बड़ा उपकार कर दिया है, मैं इस उपकार का बदला किस प्रकार से चुका पाऊंगा तुम मुझे बताओ। तो कि द्रौपदी ने कहा कि हे प्रभु ऐसा कोई उपकार नहीं है, लेकिन ये आपका बड़प्पन है जो आप इतना मान सम्मान मुझे दे रहे हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं द्रौपदी, ये तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है और इस उपकार के बदले मैं तुम्हें इतना वचन जरूर देता हूं कि कभी न कभी मैं इन वचनों को पूरा करूंगा और तेरी रक्षा का तुम्हें वचन देता हूं मैं। तब मुझे कहना पड़ा, कुछ पंक्तियां इस तरीके से निवेदित करता हूं मैं आपके सामने कि चक्र चलाने के चक्कर में लगी चोट चक्रधारी को। यहां पर हिंदी के जो भी विद्वान सुन रहे हैं मुझे, देखिएगा अनुप्रास अलंकार की एक छटा आपको इस पंक्ति के माध्यम से देखने को मिलेगी कि चक्र चलाने के चक्कर में लगी चोट चक्रधारी को द्रौपदी ने साड़ी का टुकड़ा बांध दिया बनवारी को। कि चक्र चलाने के चक्कर में लगी चोट चक्रधारी को द्रौपदी ने साड़ी का टुकड़ा बांध दिया बनवारी को, इस टुकड़े का मूल्य चुकाने का वचन दे दिया कृष्ण ने। इस टुकड़े का मूल्य चुकाने का वचन दे दिया कृष्ण ने, कब आएगा मूल्य चुकाने का समय।
अब उठा प्रश्न ये, कब आएगा मूल्य चुकाने का समय। अब उठा प्रश्न ये, दुशासन द्वारा किया जा रहा था द्रौपदी चीरहरण, दुशासन द्वारा किया जा रहा था द्रौपदी चीरहरण, लाज बचा लो मेरे प्रभु, पढ़ू तुम्हारे चरण, लाज बचा लो मेरे प्रभु, पढ़ू तुम्हारे चरण, द्रौपदी की सुन अरदास, द्वारिकाधीश हुए भाव विभोर। द्रौपदी की सुन अरदास, द्वारिकाधीश हुए भाव विभोर, बड़ा दिया चीर खींचते खींचते दुशासन को हो गई भोर, बड़ा दिया चीर खींचते खींचते दुशासन को हो गई भोर। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। तो एक ये वचन निभाने वाली बात होती है। मित्रों, कविता का जो आखिरी संदर्भ और जो वचन निभाने वाली बात जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, अभी चौथा संदर्भ मैंने कलयुग से लिया है साहब। कलयुग का संदर्भ, इतिहास के जो भी जानकार लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों को शायद पता होगा कि चौसा के युद्ध में, जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हो रहा था, और चौसा के युद्ध में हुमायूं अपने प्राण बचाकर भाग रहा था, उसके पीछे शेरशाह सूरी की सेना लगी हुई थी, युद्ध में अपने कुछ चुनिंदा सैनिकों को साथ लेकर अपनी जान भगाते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था, तो गंगा नदी बीच में पड़ रही थी बीच में, और उस नदी को पार करना हुमायूं के लिए मुश्किल काम था। तभी उसकी भेंट एक बिस्ती से होती है, और उस बिस्ती का नाम होता निजाम सक्का। उस बिस्ती ने अपनी जो मशक होती है चमड़े की, उस मशक के सहारे हुमायूं को गंगा नदी पार करवाई, और एक बहुत बड़ा एहसान जो था हुमायूं पर उस तत्कालीन समय में बिस्ती ने किया। तो हुमायूं ने उस बिस्ती को एक वचन दिया, यह बिस्ती, आज तूने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार मुझ पर किया है, और मुझे इस उपकार का कर्ज मैं किस प्रकार से चुका पाऊंगा तुझे। तो हुमायूं द्वारा जो वचन दिया, हुमायूं ने कह दिया था उसको एक वचन दिया कि यदि अगर दिल्ली सल्तनत पर अगर मेरा राज्य अगर हो जाता है, अगर मैं दिल्ली का अगर बादशाह बन जाता हूँ, तो ये मेरा आश्वासन है, ये मेरा वचन है, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है कि मैं एक दिन का बादशाह तुझे बनाऊंगा। परिस्थितियां बदली साहब, और हुमायूं एक दिन दिल्ली का बादशाह भी बना, तो किस तरीके से उसने वचन निभाया और क्या स्थितियां होती है, मैं निवेदन करता हूं पंक्तियों के माध्यम से, कि मशक के सहारे बिस्ती ने पार कराई गंगा मैया, मशक के सहारे बिस्ती ने पार कराई गंगा मैया, दे दिया वचन हुमायूं ने, काम आऊंगा एक दिन तेरे भैया। मशक के सहारे बिस्ती ने पार कराई गंगा मैया, दे दिया वचन हुमायूं ने, काम आऊंगा एक दिन तेरे भैया। हुमायूं ने दिया वचन बिस्ती को पक्का था, हुमायूं ने दिया वचन बिस्ती को पक्का था, एक दिन बना बादशाह बिस्ती निजाम सक्का था। हुमायूं ने दिया वचन बिस्ती को पक्का था, एक दिन बना बादशाह बिस्ती निजाम सक्का था। चला दिए बिस्ती ने,
बना दिया दिल्ली का बादशाह, बना दिया दिल्ली का बादशाह हुमायूं ने बिस्ती को, बना दिया दिल्ली का बादशाह हुमायूं ने बिस्ती को, चला दिए बिस्ती ने चमड़े के सिक्के बस्ती को, चला दिए बिस्ती ने चमड़े के सिक्के बस्ती को। तो एक दिन का बादशाह बनाकर हुमायूं ने अपना वचन निभाया और उस एक दिन के बादशाह बिस्ती ने अपने नाम से चमड़े के सिक्के सल्तनत कालीन साम्राज्य में चलाए थे, जैसा कि इतिहास के जानकार लोग, पढ़ने वाले लोग जानते होंगे। तो इस तरीके से ये एक छोटी सी कविता थी जो कि वचन के ऊपर आधारित थी, मैंने आपको समक्ष रखी। लीजिए मित्रों, और मैं जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं तो कृपया अपने लाइक कमेंट और शेयर भी करते चलें ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ को देख पाएं। और अगर आपका मन हो तो मैं एक गीत पढ़ दूं। लीजिए मित्रों, मैं एक गीत पढ़ने का मन है मेरा, तो मैं पढ़ता हूँ। तरन्नुम में मैं एक मुक्तक के साथ में गीत की शुरुआत करता हूँ। तेरी जुल्फों के सायों में मेरा दिल ये ठहरा है, तेरी जुल्फों के सायों में मेरा दिल ये ठहरा है, साथी जो पाया तब से मेरा ये जीवन भी निखरा है, साथी जो पाया तब से मेरा ये जीवन भी निखरा है। तुमने बंजर दिल में आकर मेरे हरियाली कर दी, तुमने बंजर दिल में आकर मेरे हरियाली कर दी, छितरे मन को छुआ तभी से कोना कोना निखरा है, छितरे मन को छुआ तभी से कोना कोना निखरा है। लीजिए मित्रों, गीत निवेदन करता हूँ सीधा सीधा। एक नायिका के प्रति एक नायक के क्या विचार होते हैं, क्या भावनाएं होती है, किस तरीके से वह सोचता है, सुनिएगा। कि हाथ तुम्हारा थाम लिया है मैंने जब से ऐ दिलबर, लीजिए मित्रों, थोड़ा सा निर्धार हो गया था।
मैंने खुद को कर दिया अर्पण, प्रियतम तेरी बाहों में। मैंने खुद को कर दिया अर्पण, प्रियतम तेरी बाहों में। हाथ कभी तुम छोड़ न देना जीवन की निराहों में। मैंने खुद को कर दिया अर्पण, प्रियतम तेरी बाहों में। हाथ कभी तुम छोड़ न देना जीवन की निराहों में। जब से थामा तेरा दामन, हुई प्रफुल्लित मैं मन में। तुम बिन देगा कौन सहारा इस पथरीले उपवन में। जब से थामा तेरा दामन, हुई प्रफुल्लित मैं मन में। तुम बिन देगा कौन सहारा इस पथरीले उपवन में। भीनी खुशबू महक उठेगी, भीनी खुशबू महक उठेगी, गली गली और गांव में। हाथ कभी तुम छोड़ न देना जीवन की इन राहों में। मैंने खुद को कर दिया अर्पण। लीजिए, मैं थोड़ा सा गीत को शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। एक अंतिम बंद सुना देता हूं मैं आपको। श्याम सलोने बिन जो राधा हो जाती आधी आधी। श्याम सलोने बिन जो राधा हो जाती आधी आधी। दीपक में जो तेल बिना फिर कभी न जल पाती बाती। श्याम सलोने बिन जो राधा हो जाती आधी आधी। दीपक में जो तेल बिना फिर कभी न जल पाती बाती। मेरे एहसासों में आओ, मेरे एहसासों में आओ। तुम मीठी सी आहों में। हाथ कभी तुम छोड़ न देना जीवन की निराहों में। मैंने खुद को कर दिया अर्पण, प्रियतम तेरी बाहों में। हाथ कभी तुम छोड़ न देना जीवन की इन राहों में। मैंने खुद को कर दिया अर्पण। नमस्कार साथियों, ये मेरा गीत था। और अगर मन हुआ आपका सुनने का तो मैं एक कविता और सुनाने की कोशिश करता आपको। लोग भी बहुत कम हो गए हैं, शायद नहीं देख पा रहे हैं, 4-5 लोग ही देख रहे हैं। हाँ तो मित्रों, देखिएगा कि कवि परमपिता परमेश्वर से क्या निवेदन करना चाह रहा है, सुनिएगा। एक कविता है मेरी, एक निवेदन आह्वान भगवान से है।
जिस प्रकार से हमारे समाज का सांस्कृतिक प्रदूषण हो गया है, विसंगताएं, विद्रूपताएं बढ़ती जा रही है और स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाती है, और किस तरह का समाज हमारा बनता जा रहा है, निवेदन करना चाहता हूं कविता के माध्यम से आपके बीच कि फैल चुकी मादकता चहुं ओर परिवेश में, फैल चुकी मादकता चहुं ओर परिवेश में, क्या हो रहा है काना आकर देखो मेरे देश में। फैल चुकी मादकता चहुं ओर परिवेश में, क्या हो रहा है काना आकर देखो मेरे देश में। कि अहिंसा के पुजारी गायों को कटवाते हैं, अहिंसा के पुजारी गायों को कटाते हैं, मांस खाने वाले पंडित टोकरी बजाते हैं। अहिंसा के पुजारी गायों को कटाते हैं, मांस खाने वाले पंडित टोकरी बजाते हैं, न्याय करने वाले अक्सर पैसों से तुल जाते हैं, न्याय करने वाले अक्सर पैसों से तुल जाते हैं, पैसों से अपराधी बंधन से खुल जाते हैं, पैसों से अपराधी तक बंधन से खुल जाते हैं। आस्थाओं के साथ हमारे खिलवाड़ होता है साहब, तब लिखना पड़ता है, कहना पड़ता है, आस्थाओं से खिलवाड़ होता है, और जब कानून की धज्जियां उड़ती है तब कहना पड़ता है कि न्याय करने वाले अक्सर पैसों में तुल जाते हैं, पैसों से अपराधी तक बंधन से खुल जाते हैं, और कानून को लगा तमाचा संविधान पड़ा बेहोश में, कानून को लगा तमाचा संविधान पड़ा बेहोश में, क्या हो रहा है काना आकर देखो मेरे देश में। कानून को लगा तमाचा संविधान पड़ा बेहोश में, क्या हो रहा है काना आकर देखो मेरे देश में। दूसरी तरफ स्थितियां देखो क्या होती है साहब। दूसरा बंद है कविता का कि भगवा कपड़े पहने लोग काली करतूते करते हैं, भगवा कपड़े पहने लोग काली करतूते करते हैं, आस्था के नाम पर लोगों को ठगते रहते हैं। भगवा पहनने वाले लोग जिन्हें हम साधु संन्यासी मानते हैं, वो आजकल साधु न होकर स्वाधु बन गए हैं, और किस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति का हम अनुकरण करते जा रहे हैं, और हमारा समाज किस स्थिति और निम्न दर्जे की जो स्थिति होती है उस कंडीशन पे जाकर खड़ा हो जाता है, तब कहना पड़ता है कि भगवा कपड़े पहने लोग काली करतूते करते हैं, और आस्था के नाम पर लोगों को ठगते रहते हैं। मर चुकी मानवता इनकी बस मांस का लोथड़ा जिंदा है, ऐसे ढोंगी संतोष से पूरा संत समाज शर्मिंदा है, लगने लगा है अब तो काना आ गए हम विदेश में, लगने लगा है अब तो काना हम आ गए हम विदेश में, क्या हो रहा है काना आकर देखो मेरे देश में, क्या हो रहा है काना आकर देखो मेरे देश में। तीसरी स्थिति क्या होती है देखिएगा कि रक्षक ही बन बैठे बक्षक, कौन करे चौकीदारी, रक्षक ही बन बैठे बक्षक, कौन करे चौकीदारी, मालिक को कुत्ता काटे तो फिर कैसे हो वफादारी। रक्षक ही बन बैठे बक्षक, कौन करे चौकीदारी, मालिक को कुत्ता काटे तो फिर कैसे हो वफादारी,
जनता के जनतंत्र में फैल चुकी बीमारी है, जनता के जनतंत्र में फैल चुकी बीमारी है, जिधर देखो उधर ही सारे भ्रष्टाचारी हैं, जिधर देखो उधर ही सारे भ्रष्टाचारी है, और बेगुनाहों को मिले सजा, बेगुनाहों को मिले सजा, अपराधी सब ऐस में, बेगुनाहों को मिले सजा, अपराधी सब ऐस में, क्या हो रहा है काना आकर देखो मेरे देश में, क्या हो रहा है काना आकर देखो मेरे देश में। और एक स्थिति और बनती है साहब, जो कि हमारे परिवारों में अक्सर देखने को मिलती है, हमारे पारिवारिक रिश्ते जब तार तार हो जाते हैं, पारिवारिक रिश्ते की कोई अहमियत नहीं समझ पाते हैं और बिल्कुल हम उनको दरकिनार कर देते हैं, रिश्तों नातों की समझ हम भूल चुके हैं, तब लिखता हूं साहब कि बेटी पर बस चले न माँ का, बेटी पर बस चले न माँ का, बेटा आंख दिखाता है, बेटी पर बस चले न माँ का, बेटा आंख दिखाता है, बड़े बूढ़ों का मान नहीं ये कैसा रिश्ता नाता है, बेटी पर बस चले न माँ का, बेटा आंख दिखाता है, बड़े बूढ़ों का मान नहीं ये कैसा रिश्ता नाता है, रिश्तों में न अपनापन है, बस स्वार्थ ही हावी है, रिश्तों में न अपनापन है, बस स्वार्थ की आहाकारी है, रिश्तों में न अपनापन है, बस स्वार्थ की आहाकारी है, मर्यादा की जली है होली, रिश्तों में न अपनापन है, रिश्तों में न अपनापन है, बस स्वार्थ की आहाकारी है, माँ का हत्यारा पुत्र तो पिता बलात्कारी है, रिश्तों में न अपनापन है, बस स्वार्थ की आहाकारी है, माँ का हत्यारा पुत्र तो पिता बलात्कारी है, मर्यादा की जली है होली, मर्यादा की जली है होली नैतिकता के परिवेश में, मर्यादा की जली है होली नैतिकता के परिवेश में, क्या हो रहा है काना आकर देखो मेरे देश में, मर्यादा की जली है होली नैतिकता के परिवेश में, क्या हो रहा है काना आकर देखो मेरे देश में। और कविता की अंतिम पंक्तियां सुनिएगा कि तेरे गोरस को काना, तेरे गोरस को काना अब ग्वाले मजाक बनाते हैं, ये हमारे समाज में आपको देखने को मिलेगा, जो पंक्तियां मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं देखिएगा कि तेरे गोरस को काना अब ग्वाले मजाक बनाते हैं, दूध बेचकर पट्टे बियर बोतल तक पी जाते हैं, हम दूध बेचने जाते हैं डेयरी पे और उधर से दारू की बोतल लेकर आते हैं, हम दूध पीना भूल गए हैं और दारू पीना हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है, इस तरह की चीजें हमारे समाज में देखने को मिलती है, तब लिखना पड़ता है कि तेरे गोरस को अब काना ग्वाले मजाक बनाते हैं, तेरे गोरस को अब काना ग्वाले मजाक बनाते हैं, दूध बेचकर पट्टे बियर बोतल तक पी जाते हैं, तेरी गोपियों की काना करता मैं निंदा हूं, तेरी गोपियों की काना करता मैं निंदा हूं, उनकी कथा कहते हुए तो मैं खुद भी शर्मिंदा हूं, तेरी गोपियों की काना करता मैं अब निंदा हूं, उनकी कथा कहते हुए तो मैं खुद भी शर्मिंदा हूं, भांग घुल चुकी अब कुएं में, भांग घुल चुकी अब कुएं में है सारे मदहोश में, भांग घुल चुकी अब कुएं में है सारे मदहोश में, क्या हो रहा है कहना आकर देखो मेरे देश में, फैल चुकी मादकता अब चहुं और परिवेश में, क्या हो रहा है कहना आकर देखो मेरे देश में। तो मित्रों ये मेरी टूटी फूटी कविताएं आपके सामने थी और
आपको पसंद आई नहीं आई। वैसी भी थी मैंने आपके समक्ष रखी। और इसी के साथ मैं अब आदरणीय देवेंद्र जी जोशी सर और अनिल जी गुप्ता सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा और जन सरोकार मंच के जितने भी सदस्य लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने अपना समय निकाल कर मुझे सुना। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।